नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के वीकली एनालिसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्वागत करते हैं। तो अभी देखेंगे कि मार्केट में जो फ्राइडे को एक अच्छा रैली मिला, तो क्या रैली कंटिन्यू होगा या फिर एक जस्ट रिलीफ रैली है। डेटा के बेसिस पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, बड़े प्लेयर का क्या पोजिशन बना है, वो मार्केट में रैली चाहते हैं या फिर एक जस्ट रिलीफ रैली है, क्योंकि आप देखें ऊपर से बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गया था लगभग। तो इसको हम एक डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे और 360 डिग्री एनालिसिस प्राइस एक्शन पे भी देखेंगे, जिससे हमको एक अंत में एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में कहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना चाहिए इंट्राडे के लिए और हमें कैरी फॉरवर्ड यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक आपको सब कुछ बताया जाएगा। चलिए एक बार हम बात करते हैं कि डेटा में क्या पोजीशन बना हुआ है। तो अगर फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा की बात करें, तो फ्यूचर में क्लाइंट्स आप देखें क्या है, 3400 क्वांटिटी क्या है, ये लॉन्ग किए हैं, यानी उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में लॉन्ग किया है और शॉर्ट भी किया है थोड़ा सा, 12000 क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप है, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं। ओवरऑल नेट बेसिस पे इनका 93 से 85000 अभी भी पोजिशन है, यानी 8600 क्वांटिटी इनका फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप है। तो कुछ क्लाइंट को यहाँ पे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट को लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे यानी 85000 हमारे क्लाइंट्स हैं, वो क्या है, लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करके गए हैं अभी भी पूरे नेट बेसिस पे। तो ये आपको तीनों एक्सपायरी का है, तीनों मंथली एक्सपायरी का, लेकिन ओवरऑल इनका व्यू कहाँ, यहाँ पे बुलिश है। FII की बात करें, FII ने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन क्लोज किया अपना, थोड़ा लॉन्ग इनिशिएट किया, 36 से 20000, यानी FII थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग है आपको मंडे के लिए, थोड़ा सा इनका पोजीशन यहाँ पे पोजीशन बुक किए हैं। तो ये हल्का चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इन्होंने अपना पोजीशन यहाँ पे बुक किया, और कौन से लेवल पे बुक किया ये मैं आपको कल की वीडियोस में बताऊंगा कि हमें उसको कैसे निकालना है, कि वो कौन से लेवल पे बुक करते हैं, हमें कैसे फ्यूचर का प्राइस को निकालना है कि फ्यूचर में FII का शॉर्ट और लॉन्ग क्या है, कहाँ पर पोजिशन बना हुआ है। अगर प्रो की बात करें, प्रो ने यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट किया, 11000 क्वान्टिटी शॉर्ट इनिशिएट किया है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने 1600 ही लॉन्ग किया है। तो प्रो यहाँ पे 25000 से 35000 बेयरिश पोजीशन में आ गया, यानी 10000 पोजीशन बेयरिश में आ गया। DII एज वेल इनका 31 से 29, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट बुक अपना जो था वो पोजीशन बुक कर लिया। तो एज यूजुअल फ्यूचर की डेटा करें तो क्लाइंट मंडे के लिए स्लाइटली ओके हैं, बेयरिश हैं, FII स्लाइटली बुलिश हैं, प्रो बेयरिश हैं, और एज यूजुअल DII अभी आपको स्लाइटली जो है वो बेयरिश है, क्योंकि 29000 इनका है। लेकिन लॉ फ्यूचर का जो ये व्यू होता है दोस्तों, ये मंथली व्यू होता है। तो अगर मंथली व्यू में आप देखें तो हमारे क्लाइंट यहाँ पे बुलिश हैं, बाकी तीनों बड़े प्लेयर बेयरिश हैं। तीनों बड़े प्लेयर आप यहाँ पे देखें इनका नेट पोजिशन पे, नेट पोजिशन तीनों शॉर्ट में बैठा हुआ है, FII प्रो और DII तीनों शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो इस डेटा के आधार पे हम अगर बात करते हैं, जो मंथली व्यूज है उसमें क्लाइंट बुलिश हैं, बाकी तीनों यहाँ पे बेयरिश हैं, ये तीनों बेयरिश हैं, ये हमें जो डेटा इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम बात ऑप्शंस की भी करें, तो ऑप्शन में यहाँ पे आप देखें कि क्लाइंट का जो पोजीशन बना हुआ है ये आपको राइट करके हैं दोस्तों, क्या है? आपको कॉल, इनके पास 85000 की राइटिंग था, इसमें से इन्होंने 1,02,000 और राइटिंग कर दिया, तो ये यहाँ पे राइटर हो गए हैं अभी हमारे क्लाइंट दोस्तों। यहाँ पे अगर हम नेट बेसिस पे बात करें तो रेट ऑफ चेंज आप देखिए कि यहाँ 45000 इनका पहले से राइटिंग था, 1,02,000 और इन्होंने राइटिंग कर दिया, यानी मार्केट जब आपको ऊपर जा रहा था तो क्लाइंट हमारे कॉल की राइटिंग कर रहे थे यहाँ पे, और उनके पास जो पुट की राइटिंग ये 3,15,000-17,000 था, उसमें से इन्होंने 1,20,000 क्लोज कर दिया। तो कल का अगर फ्राइडे के दिन मनी फ्लो हुआ है, वहाँ पे कहाँ हुआ है मनी फ्लो, क्लाइंट्स का मार्केट को यहाँ पे देखिए पैसा नीचे लाने में लगा हुआ है, ये भी पैसा मार्केट को नीचे ले जाने में लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइट किया हुआ है, फ्यूचर में भी शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये राइट किया हुआ है, तो ये पैसा इनका यहाँ पे भी मार्केट में नीचे ले जाने में लगा हुआ है। अगर हम FII की बात करें, FII देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कॉल की बाइंग किया है 26000, और उन्होंने पुट की जो बाइंग था वो क्लोज किया है
लेकिन नेट बेसिस पे इनका 1,64,000 कॉल की बाइंग है, पुट की बाइंग अभी भी इनके पास ज्यादा है 2,35,000। तो ये 1,65,000 से यहाँ पे देखें लगभग 60-70,000 पुट की बाइंग ज्यादा है हमारे एफआईआई की। जबकि अगर प्रो की बात करें तो प्रो के पास कॉल की राइटिंग आप देखिए बिल्कुल ही 17,000 है, 17,000 ही कॉल की राइटिंग है। और इन्होंने क्या किया, फ्राइडे के दिन जो इनके पास पुट की बाइंग थी, ये पुट की बाइंग 30,000 उन्होंने क्लोज करके पुट की राइटिंग कर दिया यहाँ पे। तो हम इसको लाइव मार्केट में डिस्कस किए थे, आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते होंगे तो हमने लाइव मार्केट में यहाँ पे डिस्कस किया था कि देखिए प्रो क्लोज ऑल जो है ऑल पोजिशन हेयर, क्या गया प्रो ने यहाँ पे पुट की बाइंग की पोजिशन क्लोज कर दी और प्रो राइटिंग पुट मैंने यहाँ पे 9:30 बजे 9:37 को मैसेज कर दिया था कि प्रो क्या है पुट की राइटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे प्रो राइटिंग कर रहे हैं, डेटा स्लाइटली वहाँ पे ओनली बियरिज था। तो ये इंडिकेशन आपको लाइव मार्केट में मिल जाता है कि राइटिंग जो है वो पुट की कौन कर रहा है। ये इन्होंने अपना पोजिशन पूरा कॉल की सॉरी पुट की बाइंग की क्लोज की, पुट यहाँ पर राइटिंग उन्होंने किया, मार्केट को ऊपर लेके गए और साथ में हमारे एफआईआई कॉल की बाई कर रहे थे। आप यहाँ पर देखें मार्केट नीचे लेके वो कॉल पुट की पोजिशन क्लोज किए, मार्केट देखें आप ओपन हुआ, मार्केट जहाँ ओपन हुआ उसके नीचे आया। आप डेटा को अगर प्राइस एक्शन के साथ समझेंगे तो मार्केट 15 जो है आपको ये 13 को ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट 2 कैंडल में नीचे आया यहाँ पे, यानी आपको 80 पॉइंट नीचे आया आप यहाँ पे। अगर इस कैंडल का आप हाई देखें तो ये ओपन होते हैं इसका हाई आपको 17,868 का था और लो जो थर्ड वाला कैंडल था आपको 17,776, यानी आपको लगभग 100 पॉइंट 80-90 पॉइंट नीचे आया। यहाँ पे इस कैंडल के पास प्रो ने इस तीनों कैंडल में दोनों में अपना पोजिशन बुक किया और वहाँ पे एफआईआई ने भी। और ये देखिए ये जो वॉल्यूम है ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि एफआईआई यहाँ पे बड़े प्लेयर बाई कर रहे हैं, बड़े प्लेयर ने कॉल की बाइंग की और वहाँ पे जो कॉल की बाइंग करते करते इस वाले जब आपको 9:25 10 बजे से लेकर 11:30 10-11 बजे तक यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, वो क्या कर रहे थे स्मार्टली बाइंग कर रहे थे। जो हमें डेटा पे इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पर राइटिंग किया जा रहा है वो क्या है हमारे प्रोब के द्वारा किया जा रहा है, प्रोब के द्वारा राइटिंग किया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने फिर एक वॉल्यूम क्रिएट किया और वॉल्यूम के साथ मार्केट को लेके गए, कभी इसके पास मार्केट नहीं आया, पूरे दिन मार्केट नीचे नहीं आया। तो ये डेटा के बेसिस पे इंडिकेशन मिलता है यहाँ पे देखिए, और ये डेटा आपको एंड ऑफ द डे है। तो ये क्लाइंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि हमेशा अपोजिट पोजिशन बनाते हैं। क्लाइंट क्या कर रहे थे कि यहाँ पे कॉल की राइटिंग कर रहे थे और पुट की वो आपको बाइंग कर रहे थे। ये देखिए अगर उन्होंने पुट की यहाँ पर राइटिंग किया तो वो पुट की बाइंग कर रहे थे यहाँ पे और कॉल की राइटिंग कर रहे थे, अपोजिट था। एफआईआई बिल्कुल यहाँ पे कॉल की बाइंग कर रहे थे, पुट की बाइंग क्लोज कर रहे थे, प्रो यहाँ पे कॉल की राइटिंग क्लोज करके कॉल की बाइंग कर रहे थे। यहाँ पे देखिए उन्होंने कॉल की बाइंग किया यहाँ पे, इसके बाद ये पुट की राइटिंग किए। तो डेटा के बेसिस पे ये पता चल रहा था कि मार्केट में मोमेंटम किधर रहने वाला है। अभी आप बात करें तो हमारे क्लाइंट्स क्या हैं, बियरिस हैं, एफआईआई स्लाइटली बुलिस हैं और प्रो भी स्लाइटली बुलिस हैं, क्योंकि इनके पास पुट की राइटिंग है, कॉल की राइटिंग नहीं है। तो मंडे को मार्केट ऊपर रख के वहां पे प्रो क्या करेंगे, पुट और कॉल की राइटिंग करेंगे, क्योंकि इसको ऑप्शन चेन में देखें तो कॉल का यहाँ पे प्राइस देखिए, कॉल का जो है वो आपको प्रीमियम इंक्रीज हो गया है। आप देखें अभी क्या है 67% इन द मनी प्रीमियम है, आउट ऑफ द मनी 56% कॉल में है। तो दोनों साइड में प्रीमियम दोनों साइड में कॉल साइड ही है, यानी आपको एटीएम और ओटीएम दोनों में यहाँ पे आप देखें ये प्रीमियम ये पुट में, जबकि ये 33% ही सिर्फ ओनली पुट में प्रीमियम हो गया है 33%। लेकिन थोड़ा सा और मार्केट को ऊपर रखा जाएगा क्योंकि अभी आपको देखें कि मार्केट में सेम अगर आप 300 पॉइंट ऊपर नीचे देखें, 300 पॉइंट ऊपर नीचे में पुट के साइड प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, तो मार्केट ऊपर रख के ये क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, कॉल का प्रीमियम बढ़ाएंगे और वहां पे फिर राइटिंग करेंगे कॉल का। ये प्रो का हमेशा स्ट्रेटजी होता है। तो ओवरऑल अगर आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में कंपेयर करें तो आउट ऑफ द मनी अभी लगभग ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन इन द मनी कॉल का प्रीमियम बढ़ गया है, इन द मनी में कॉल का भी प्रीमियम ज़्यादा है। और ये पूरे लाइव मार्केट में हमें इंडिकेशन मिल रहा था कि हमारा पेन जो है 18,000 के पास था, आपको दूसरा पेन, पहला पेन 17,900 के पास था, मार्केट उस पेन को रिस्पेक्ट किया ऊपर लेके आया।
और बड़ी प्लेयर पुट साइड, ये पुट की राइटिंग कर रहे थे। ये पोजिशन देखिए, ये आपको ग्रीन में दिखा रहा है पुट की राइटिंग, ये राइटिंग एटीएम और ओटीएम दोनों में राइटिंग किया जा रहा था। तो ये निफ्टी के डेटा जो है वो हमें बुलिश इंडिकेशन कर दिया था पहले ही लगभग 11 बजे का। और दोस्तों मैंने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया था जो लाइव मार्केट में हम जिसको रिकॉर्ड कर रहे थे पूरे, और वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग के मीडियम से। तो आप ये वाली वीडियोज जाकर देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में हमें कैसे पता चला गया कि मार्केट में रिवर्सल क्या है। इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो इस डेटा के आधार पर आपको पता चल जाता कैसे, मैं एक बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चैन का जो है हमारे पास प्लेलिस्ट है उसमें सीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब सब चीजें बताया गया। तो आप देखें कि अभी जो डेटा है वो पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा 5,62,000, कॉल साइड भी एक्टिविटी हुई है लेकिन उतना नहीं है। कॉल साइड की एक्टिविटी ऊपर आपको कहाँ पे, ये इस स्टाइक प्राइस पे, यानी आपको 18,200 18,000 के पास चल रहा है, 18,200 18,100 पे, जबकि पुट साइड आपको 17,900 पे है। तो ओवरऑल अभी आपको सपोर्ट 17,900 का इमीडिएट सपोर्ट, फिर 17,800 का है इन द मनी, यहाँ पे 18,000 पे भी देखिए राइटिंग हुआ है, 18,000 पे 26,000 है। तो एक बार आपको 18,000 रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ऐसे 17,900 भी अभी आपको 1,17,000 है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट में अभी 956, अगर कल मंडे को मार्केट ऊपर होता है 17,980 के ऊपर ओपन होता है तो ये पोजिशन अपना क्लोज करेंगे। और यहाँ पे जो राइटिंग किया गया है वो हमारे क्लाइंट द्वारा किया गया, हर एक स्टॉक ट्रेडर यहाँ पे क्लाइंट ने राइटिंग किया है, और यहाँ पे FII और हमारे किसके प्रो द्वारा बाइंग किया गया, तो डेटा ऑलरेडी हमारे बुलिश बता रहा है। और यहाँ पे जो राइटिंग किया गया है पुट साइड, ये प्रो द्वारा राइटिंग किया गया है, और बाइंग किया गया है वो हमारे क्लाइंट द्वारा किया गया है दोस्तों। तो बिल्कुल ही डेटा यहाँ पे बुलिश है। चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी का भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का मैं आपके सामने डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेम कंपोनेंट ट्रेड होता है। तो बैंक निफ्टी जो 42,400 के पास क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी पहले से ही बुलिश था, बैंक निफ्टी मार्केट में इनिशियल से बुली था। और इसका पेन आप देखें कि 42,200 और 42,300 के पास है, फर्स्ट पेन सेकेंड पेन, मार्केट उसको भी ऊपर ले जाकर क्लोज किया। और हमेशा यहाँ पे देखें पूरे आपको ऑलरेडी पुट की भी साइड एक्टिविटी हो रही थी बड़े प्लेयर की, ये बड़ा नंबर आप देखें पुट साइड है, जबकि 42,500 पे और 42,400 पे आपको कॉल साइड एक्टिविटी हो रही थी। आप यहाँ पे देखें जो ये नंबर आपको कॉल साइड भी है, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर थोड़ा 42,400-45,000 पे भी एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पुट की जो राइटिंग वो ज़्यादा हो रही थी इन द मनी, पूरे एक्टिविटी में मार्केट उसके ऊपर लेके आया गया। और अभी भी प्रीमियम पुट साइड ज़्यादा है, आप देखें यहाँ पे लगभग आउट ऑफ द मनी में, तो आउट ऑफ द मनी यहाँ पे 53% प्रीमियम है आपको पुट में, जबकि इन द मनी अभी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 57% ही है इन द मनी। तो ये जब तक आपको 70% तक नहीं पहुँचता है तब तक रिवर्सल नहीं आता है। इसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो पोस्ट किया है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हमें इसका एनालिसिस करना, कैसे रिवर्सल पता करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी रिवर्सल के चांसेस नहीं है, डेटा यहाँ पे बुलिश है, 600,000 पुट साइड 400,000 कॉल साइड ही मतलब पोजीशन बना है। तो ओवरऑल बिल्कुल यहाँ से भी पोजीशन यहाँ पे बुलिश इंडिकेट कर रहा है। यानी आप अगर प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम में भी मार्केट आपको क्या है, बिल्कुल बुलिश है। ऑप्शन चैन में OI भी, चेंज इन OI भी बना हुआ है बुलिश की तरफ ही। मैक्सिमम यहाँ पर पोजीशन देखिए 42,500 और दूसरा आपको 42,000-43,000 के पास बना है, जबकि पुट साइड पोजीशन हर एक स्ट्राइक प्राइस पे इन द मनी यहाँ पे बना हुआ है। यानी डेटा यहाँ पे आपको देखिए शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे इस स्ट्राइक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, जबकि ये सारे स्ट्राइक में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो बिल्कुल मार्केट में अभी ऊपर रहने के चांसेस हैं। बाकी हम मंडे को लाइव मार्केट में अपडेट करते रहेंगे। अब इसको हम एक बार प्राइस एक्शन पे देखते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है प्राइस एक्शन का। तो अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए हमें लॉन्ग रहना है 17,920 तक, अभी 956 क्लोजिंग है, 920 तक लॉन्ग रहना है, यानी इस स्विंग तक हमें यहाँ तक देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पूरे दिन, इसके बाद इसको ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस का काम किया, इसको ब्रेक किया, एक ही दिन में इसके ऊपर चला गया। तो ये भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, नहीं आपको 17,920 रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का, माफ करिएगा। तो 920 के ऊपर तक हमें लॉन्ग रहना है मार्केट में, शॉर्ट होना है 870 के नीचे, यानी इस जो है हमारा VWAP के नीचे,
ये स्विंग कहिए, इस स्विंग के नीचे शॉर्ट आना, इस चीज को याद रखिए। 17,870, 870 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक हमें शॉर्ट नहीं होना है। पहला टारगेट हमारा 18,020 का होगा, यानी यहाँ से लगभग हमें 70-80 पॉइंट का टारगेट। एक बार हम वहां पर अपना पोजिशन बुक करेंगे, या फिर मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूंगा कि डेटा पे क्या चेंजमेंट हो रहा है। तो अगर यहां से मार्केट निकलता है तो एक बार एक्सपेक्टेशन है कि 18,020 तक मार्केट जाएगा, उसके बाद 18,100 तक मार्केट जाएगा। तो नीचे अगर मार्केट आता है दोस्तों, यानी 17,000 आपको 920 के नीचे, 870 के नीचे आ जाता है, तो 870 के नीचे आ जाता है तो मार्केट 17,780 का और 17,700 का लेवल दिखाई देगा। यानी जैसे ही ये स्विंग आपको ब्रेक करेगा, इस स्विंग के नीचे मार्केट यहाँ पे, तो आपको पहला आपको यहाँ पे सपोर्ट 17,780 का दिख रहा है मार्केट, जो उसके नीचे आ जाएगा। यानी ये हमारा निफ्टी का लेवल है, निफ्टी के ऊपर हम ऐसे ट्रेड करेंगे। अगर हम वीकली देखें तो वीकली में भी आप देखें दोस्तों कि वीकली में एक बार मैंने बताया था कि 17,700 के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग था, इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे आया, फिर इसको रेस्पेक्ट किया, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, और अभी यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी ओवरऑल आपको 17,700 के ऊपर से बाउंस बैक हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों निफ्टी एक बार बिल्कुल यहां से सपोर्ट लेके, अभी ये जो कैंडल है इसके ऊपर, यानी इसके हाई के ऊपर जब चलेगा तो ही हमें फ्रेश लॉन्ग होना है। अगर इस कैंडल का आप हाई देखें तो 18,141 है, यानी 18,141 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट 18,500 का होगा दोस्तों। तो 18,141 यानी 18,150 अभी बिल्कुल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, आप अगर इसकी हाई को देखें तो। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है, यहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ऊपर चलेगा तो 18,500 का एक टारगेट पहला हमारा 18,500 का, फिर 18,700 का टारगेट होगा ये हमारा अभी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग होना है दोस्तों, 42,370 के ऊपर जो क्लोजिंग दिया है, लॉन्ग होना है 400 के ऊपर, यहाँ से 30 पॉइंट हो, यानी ये स्विंग के ऊपर ये जो कैंडल बना है इसके ऊपर फ्रेश लॉन्ग होना है। टारगेट आपको 42,580 का पहला होगा, पहला 42,580 का टारगेट होगा, दूसरा 42,700 का टारगेट होगा ऊपर का, और फिर आपको 42,948 का टारगेट होगा ये। लेकिन शॉर्ट होना है दोस्तों इस स्विंग के नीचे, ये जो स्विंग है आपको इसके नीचे ही शॉर्ट होना है। यानी आप ये कहें कि 42,300 के नीचे शॉर्ट होना है, 42,300 के लेवल को जो मार्केट अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा तो टारगेट 42,140 का और 41,980 यानी ये यहाँ पे इस लेवल के पास आ जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी का टारगेट रहा हमारा। अगर वीकली एनालिसिस की बात करें बैंक निफ्टी में, तो वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी बिल्कुल 41,800 इसके ऊपर सपोर्ट लेके क्या है, यहाँ पे बिल्कुल अभी क्रूशियल पीरियड में है। तो जैसे 41,800 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है, 41,880 कही 41,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक फ्रेश हमें शॉर्ट नहीं होना है। जैसे 41,800 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर बैंक निफ्टी का टारगेट बहुत ही नीचे आपको लगभग 40,000-39,500 तक हो जाएगा ये बैंक निफ्टी में। इस स्विंग को आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये स्विंग आपको बिल्कुल ही नीचे दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये आपको यहाँ पे यानी 39,100 के लेवल के पास दोस्तों आ जाएगा बैंक निफ्टी, अगर आपको 41,800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो। हमें फ्रेश लॉन्ग आप कहिए तो 42,700 के ऊपर होना है फ्रेश लॉन्ग, ऐसे 42,400 के ऊपर हमारा टारगेट 42,700 का होगा पहला टारगेट। तो ये बैंक निफ्टी का टारगेट रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश है। एक यहाँ पे थोड़ी समस्या है कि FII कैश में सेल कर रहे हैं, FII की बात करें तो कंटिन्यूअस देखिए पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये बजट के आसपास अपना कैश में खाली करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाके ऑप्शन से कैश में ये खाली कर रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा चिंताजनक की बात है यहाँ पे। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी बैंक निफ्टी का बहुत ज़्यादा नहीं सुधरा है, 2.79 है, 2.86 2.90 के पास था, तो इसको एक बार 2.60 के पास 2.50 के पास आना पड़ेगा। मार्केट अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। निफ्टी में भी बात करें तो निफ्टी का जो 4.21 चल रहा है,
यहाँ पे 4.19 आया था, लेकिन 13th को 4.21 है, इसको 4.0 या फिर 3.9 के पास एक बार आना पड़ेगा। ये इसका आपको कहिए कि फेयर वैल्यू है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट अभी भी ओवर वैल्यू लग रहा है। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। डेटा स्लाइटली बुलिश है, मंडे को मार्केट थोड़ा सा अपसाइड रहेगा, वहां पे अपसाइड ले जाके प्रो फिर कॉल की राइटिंग करेंगे, क्योंकि कॉल की राइटिंग प्रो के पास नहीं है। ये मैं आपको लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। दोस्तों आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाय सेल। मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।